क्लाउड बाय हिमानी। आज मैं आपको अपना रूम दिखाने जा रही हूँ, तो रेडी हैं? तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ माय हैप्पी प्लेस। ये भी मैंने खुद बनाया है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले एंटर होते ही आपको सामने ये एक वॉल दिखेगी जो कि मेरी आर्ट ऑफ वॉल है। यू आर एंटरिंग टू अ स्ट्रेस फ्री जोन बिकॉज दिस इज माई स्ट्रेस फ्री जोन। पहले आपको ये दिखाती हूँ, ये है मेरा सारा आर्ट सप्लाई जो भी मेरे पास है, जितने ही मेरे पास कलर्स हैं, कुछ इधर है कुछ दूसरी साइड है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। सारा सामान है यहाँ पे, एक्रेलिक कलर्स, मेरी स्केच बुक्स, मेरे स्टेंसिल्स, मेरे कलर्स, न्यू कलर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मेरी डेस्क, ये डेस्क मैंने अमेजोन से बाय की थी क्योंकि ये मेरा एक रेंटेड अपार्टमेंट है। इसमें हमें इन लोगों ने कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया था, तो ये मैंने खुद ही बाय की है। ये भी हम देख सकते हैं, ये मेरी सारी ब्रशेस हैं, कुछ ब्रशेस जो मेरी एक्सपेंसिव ब्रशेस हैं वो मैंने रखी हुई हैं, लाइक क्रिस्टो की एंड ऑल दैट। काफ़ी सारी हैं जो अभी तक मैंने पैक ही रखी हुई हैं, मैं यूज़ करती हूँ, उनको वॉश करके फिर रख देती हूँ। अब मैं आपको अपनी आर्ट ऑफ वॉल दिखाती हूँ थोड़ा क्लोजली। हर एक पेंटिंग की एक स्टोरी है, हर एक पेंटिंग के नीचे मैंने डेट लिखी हुई है, मैंने कब वो ड्रॉ किया, कब मैंने वो पेंट की है। हर पेंटिंग की एक अलग स्टोरी है। मैं आपको क्लोजअप में सारी पेंटिंग्स दिखाती हूँ। ये मेरा कमीशन वर्क है जो मुझे डिलीवर करना है। धीरे धीरे मैं आपको सारी पेंटिंग्स दिखाती हूँ। ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग मैंने पिज्ज़ा बॉक्स पे बनाई है। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये एक पिज़्ज़ा बॉक्स है, उसको मैंने कट करके और मैंने पेंटिंग की है। पधारो मारे देश। ये कुछ कोट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे थोड़ा मोटिवेट करते हैं। ट्राई अ लिटिल हार्डर टू बी अ लिटिल बेटर। ओके, ये मेरा फर्स्ट स्केच है जो मैंने अपने पापा का बनाया है। अभी ये थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट है, बट मैंने वो रखा हुआ है ताकि मुझे दिखता रहे और मैं उसको कंप्लीट करती रहूं। तो मेरा ये फर्स्ट स्केच है, आई डोंट नो ये कैसा बना क्योंकि मैं स्केच ज़्यादा नहीं करती हूँ। एक और कोट, बी इनफ फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन एडजस्ट और कैन वेट। एंड दिस इज माई लोगो, क्रिएटिव क्लाउड बाय हिमानी। ओके, ये भी मेरा कमीशन वर्क है, ये भी मुझे डिलीवर करना है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगा दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो ये जगह मेरी काफी स्पेशल है, मैं यहाँ बैठ के बुक रीड करती हूँ,
मेरे को जो लैपटॉप पे काम होता है, एडिटिंग्स होती हैं, या मैं कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिसाइड कर रही हूँ, मैं वो यहाँ बैठ के करती हूँ। जी, यहाँ मैंने अपना हेडफोन लगा रखा है क्योंकि मैं यहाँ बैठती हूँ, तो मुझे गाने सुनने का बड़ा शौक है। ये एक वॉल है, फोटोज़ हैं इसमें मेरी फैमिली के हैं, दैट आई डोंट वॉन्ट टू शेयर राइट नाउ, बट इन फ्यूचर आई विल शेयर। सो ओके, इसमें एक बहुत अमेजिंग चीज़ है, ये जो कुशन्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये वो, ये सब मेरी मम्मा ने बनाए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये कैसे लगे। एंड दिस वन, ये जो है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। और एक ये भी है, ये भी मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। आगे चलते हैं। ये हैंडबैग मेरी मम्मा मेरे लिए द्वारकाधीश से लेके आई थी। मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने शो के लिए इसको लगा दिया है। और रिसेंटली मैं ये पढ़ रही हूँ, कृष्ण भगवान की बुक है ये, काफ़ी अच्छी। मैं इसको डेली कम से कम एक या दो पेज तो मैं डेली इसको रीड करती हूँ। और आई एम रीडिंग दिस नोवेल ऑल्सो। और ये है क्यूट से, मेरी फैमिली बोलती है कि मी एंड माय हस्बैंड। ओके, यहाँ पे मैंने अपने सारे एसेंशियल्स रखे हुए हैं, मेरी जो स्केचबुक्स हैं, मेरी जो बुक्स हैं जो मेरे काम आती हैं, जो मेरा एक्स्ट्रा स्टफ है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। ओके, इस रूम का एक साइड मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें मेरा मंदिर है, तो अभी मैं आपको वो शो नहीं करना चाहूंगी। आप देख सकते हैं, सो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा कमरा, प्लीज़ मुझे बताइएगा इन माय कमेंट सेक्शन। सो ये जो टेबल है ये मैंने अमेज़ॉन से बाय की थी, जैसा मैंने आपको अभी बताया। इसकी जो लेंथ है वो कम ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे दिया हुआ है इसका, बट इससे ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है, इससे ज़्यादा हाइट पे नहीं हो सकता। सो मैं यहीं पे बैठ के काम करती हूँ अपना, जो भी मेरे को काम होता है, या फिर मैं इस टेबल को थोड़ा सा विंडो की साइड कर देती हूँ और काम करती हूँ। ओके, और देखिए ये भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, स्टैंड है ये, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखाई देती हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड। देख सकते हैं आप, मैं यहाँ बैठ के काम करती हूँ अपना, मेरे को बहुत अच्छी हवा भी आती है, अच्छी वाइब्स आती है। अगर आपको मेरा रूम टूर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।